वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSP जौनपुर सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एक एग्जाम रिलेटेड अपडेट है, दूसरी अपडेट जो है टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना रिलेटेड है। अगर कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो आप टैबलेट स्मार्टफोन से वंचित कर दिए जाएंगे, तो ज़रूर देखें पूरा वीडियो। और उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर यूनिवर्सिटी का अपडेट अथेंटिक माध्यम और नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता है, जिससे कि आप सबसे पहले अपडेटेड रहते हैं कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होने वाला है, आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है, ठीक है। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, दोनों से आप लोग ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर टैबलेट स्मार्टफोन का लिस्ट, इसके अलावा नोटिफिकेशन, इसके अलावा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की नोटिस आएगी शेयर किया जाएगा। तो समय की कमी है, वीडियो को चलिए फटाक से शुरू करते हैं और आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर हम पहली जानकारी ले लेते हैं, फिर आपको टैबलेट वाली बात बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि VBSP ने बड़ा बदलाव किया है। पहली बार आप सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर यानी कि UG में तो सेमेस्टर लगा दिया गया, BA BSc भी काम में, उनका परीक्षा फॉर्म आ चुका है, ये सभी लोग जानते हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया गया था कि 17 तारीख से आपको परीक्षा का फॉर्म भरना है, अभी रिजल्ट नहीं आया है लेकिन परीक्षा फॉर्म आ चुका है। तो इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ, आज 17 तारीख है तो आपको वेट करना पड़ेगा, अभी साइट पर लिंक नहीं आया हुआ है और लिंक आने में आपको कल तक का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, यानी कि आप समझ लीजिए कल से परसों तक का भी इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। तो जैसे ही आपका लिंक एक्टिव हो आप लोग अपना फॉर्म फिल करा लीजिएगा और विशेष रूप से समय से पहले कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, यानी कि अभी फॉर्म का लिंक एक्टिव नहीं है, लिंक बहुत ही शीघ्र आएगा, थोड़ा सा इसमें इंतज़ार भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं उनको फॉर्म फिल करना है। पहली जानकारी हुई, अब दूसरी जानकारी की तरफ चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो सेकेंड अपडेट है ये उन छात्रों के लिए है। देखिए, तीन बार मैंने अपडेट दिया था जो कि टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया गया था आपके कॉलेज में। और अब मैं बता दूं, ये कॉलेज जो है DCS खंडेवाल, जो कि कॉलेज है, विशेष रूप से सुने, DCS खंडेवाल, इस कॉलेज में टैबलेट और स्मार्टफोन सभी छात्रों को किया गया था। हालांकि अब एक निर्देश दिया गया है उस कॉलेज के छात्रों के लिए कि जिन छात्रों का नाम लिस्ट में था और उन्हें टैबलेट स्मार्टफोन अभी तक नहीं मिला, यानी कि वो नहीं ले पाए हैं, तो उनका नाम था लेकिन वो ले नहीं पाए हैं, तो उनको आज आखिरी मौका दिया गया है। 17 तारीख को शाम तक आप लोग जा कर के अपने कॉलेज में अपना टैबलेट और स्मार्टफोन ले लीजिए, अदरवाइज वो शासन को लौटा दिया जाएगा, यानी कि वो आपका रिटर्न चला जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। इसका विशेष रूप से सभी छात्र ध्यान रखेंगे। बाकी जो शेष छात्र हैं उनका वितरण शुरू है, फाइनल ईयर वालों का, अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी था इस कॉलेज के छात्रों के लिए, तो जल्द से जल्द अपना कार्यक्रम कर लीजिए, अदरवाइज आपको पछताना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो के साथ।